जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और को एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, नोबडी गिव्स यू द फकिंग राइट टू स्लैप अ गर्ल। रुको जरा, सबर करो। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं, चार। सर चार नहीं है, बहुत है। चार वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद, मजा आया था? हाँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आज हम बात कर रहे हैं उस कंट्रोवर्सी की जो आप सभी जानते हो, जिसने मीमर्स ने नेहा की कहके ले ली। किसकी? नेहा चूतिया। ओ नहीं नहीं सॉरी, नेहा चूतिया। तो यहाँ पे इतना फेक फेमिनिज्म चल रहा है, मतलब इन्हें फेमिनिज्म का मतलब ही पता है? यार एक लड़की अगर चार लड़कों को मारती है दैट इज ओके, बट अगर एक लड़का एक लड़की को मारता है दैट इज नॉट ओके। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इक्वालिटी के नाम पे लड़का लड़की को मारे, लड़की लड़के को मारे, दोनों गलत होते हैं। भाई रोडीज पहले बहुत सही आता था, लेकिन रोडीज के नाम पे अब सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गया है। लेकिन हम बताते हैं कि नेहा की सोच ये क्यों है, कहां से आई है। अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू, maybe you are not providing physically, mentally, emotionally, whatever she needed. Don't say कि मैं सब करता था। भाई अगर एक लड़की threatened feel कर रही है physically, mentally, जो मर्जी उसको support नहीं मिल रहा, वो एक लड़के के पास जाती है, that is okay, it's her choice. लेकिन अगर वो लड़की चार के पास जाती है then ये कोई लड़की कह रहा है? Who the f- you to expect anything, anyone? Who the f- are you to expect loyalty? Even from your own pet dog. मैं माता चोलू जो इसमें आया हूँ। निखिल चुचपा की चुचपाबंदी देखो आप, कि मतलब वो फेमिनिज्म। You cannot expect loyalty from your pet dog. अबे यार। एक बात बता भाई, निखिल भाई एक बात बता, तू फेमिनिज्म कर रहा है और उसको तू माँ की गाली दे रहा है कंटेस्टेंट को, भाई कहाँ का फेमिनिज्म, कहाँ की, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या कह, कौन से नशे कर रखे मुझे ये बताओ। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भाई मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है अंगद बेदी के बारे में यार, जो निखिल जो हमारी नेहा मैडम की जो सोच है, अगर वो अंगद बेदी ने मतलब ऑब्वियसली बात है देख तो लिया ही होगा, तो वो कितना इनसिक्योर फील कर रहा होगा कि मेरी बीवी कभी मुझे छोड़कर तुम जाओगे, चार चार के साथ या पांच के साथ कुछ भी कराओगे, मतलब वो उसकी सोच ही ऐसी है। तो भाई अंगद बेदी बेचारा, मुझे तो बहुत फील हो रहा है, बहुत फील हो रहा है। कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। ये कॉन्ट्रोवर्सी जैसे हमने कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा तो हमने सोच लिया था भाई ये टॉपिक तो पक्का इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए। जो हमारी नेहा मैडम है उसने जो बवाल मचाया है ना, जो हगा है ना रोडीज के शो पे, ये कोई नहीं भूलेगा। ये मार्च में सबसे अच्छा मीम कंटेंट बन के आ गया है भाई, गजब मजा आ गया। लेकिन ये पूरे रोडीज के ऑडिशन में एक बार मुझे जो सही लगा, जो वैलिड लगा, वो था हमारे रफ्तार बाजी का। देखो ठीक है, इट्स गॉन अ वेरी रॉन्ग वे एंड आई होप यू हैव चेंज्ड। ऑफ कोर्स सर, मैं चाहूंगा, और होता है यार गलतियां लोगों से होती है, वो रिग्रेट करे, इट्स गुड, सीख सकता है बंदा, दिमाग बदल सकता है कुछ टाइम के बाद। भाई तुमने अगर उसको गलत बोलना ही था तो एक तरीका था समझाने का, वो जो खुद बोल रहा है कि भाई वो चार के साथ पांच के साथ डेट कर रही थी, उसने एक्सेप्ट करा, ऐसे थप्पड़ मारा, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम सही नहीं लग रहा अपना पॉइंट रखो, लेकिन भाई फेमिनिज्म के नाम पे फेक मत करो। एग्जैक्टली इक्वालिटी रखनी है, रखो, बिकॉज ऑफ योर फेकनेस जितने भी वैलिड होते हैं ना आउट देयर, द वंस हु आर रियली फाइटिंग फॉर इट, वो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इन चीजों का फायदा उठा के जो हमारे से सरजीत वाला केस हुआ था, लड़की वाला, लड़की जीती नहीं, लड़की हारी एंड में, लेकिन इन चीजों की वजह से लड़की फायदा उठाती है कि लड़कियों की तो हर कोई सुनेगा, लड़की की कोई सुनता नहीं है, और यही फेक फेमिनिज्म फैलाते हैं ऑनलाइन यहाँ पे टीवी रोडीज पे। फेमिनिज्म को समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट डोंट फेक इट, नहीं समझ आते मत बोलो भाई, मुझे तो उनको एकदम बेकार कर रहे हो जो इतने सालों से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टीआरपी के नाम पे कुछ भी कर रहे हो। मुझे नेहा की बात तो छोड़ो, मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई हमारे निखिल चुचपा भाई के बारे में। भाई तो सस्ता नसीब है सुन के, भाई क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है, तुम टीआरपी के चक्कर में कुछ भी कर रहे हो सीरियसली।
Guys, you can follow us on Instagram, Facebook, Twitter, styling, and description. And one last thing, guys, do you remember one thing? Yeah, grind to shine. Take care, bye-bye.